यार दोस्तों, मेलीबग की समस्या तो मेरे को बहुत परेशान करती है, तो मैं यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट मेथड यूज़ करता हूँ जिससे मेलीबग मेरे पास फिर से नहीं आते हैं। बट एंट्स होती है, चींटियाँ होती है, वो इसकी फार्मिंग करती रहती है और फिर से लेकर आ जाती है और फिर से मुझे सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं मैं क्या क्या रिपीट करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिबिस्कस को मेलीबग अटैक से किस तरह से बचाया जाए, इन सफ़ेद छोटे छोटे कीड़ों से किस तरह से बचाया जाए हमारे प्लांट को। और दोस्तों, इसमें मैं 3 मेथड आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप भी ये 3 मेथड यूज़ कर सकते हैं, एक ही दिन में यूज़ कर सकते हैं या फिर अल्टरनेट डे पर यूज़ कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, इस मेथड में दोस्तों हम चेक करेंगे हमारे प्लांट के ऊपर कहां कहां पर मेलीबग अटैक हो रहा है। और अगर आप चाहें तो सिंपली ब्रांच कट करके उस मेलीबग को आप सीधा फेंक सकते हैं, नहीं तो फिर दोस्तों उसके साथ में ही एक और मेथड होता है, अब उसे फोर्सफुली रिमूव करें प्लांट के ऊपर से और प्लांट की ब्रांचेस हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। चलिए देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने हमारे प्लांट को इजीली एक दूसरे पॉट के ऊपर रख दिया है और अब यहाँ पर हम वाटर जेट की मदद से सारे के सारे मेलीबग को इस प्लांट की ब्रांच से रिमूव करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये रिमूव हो रहे हैं। यहाँ पर हम किसी भी पाइप की मदद से भी फोर्सफुली वाटर अप्लाई करके सारे के सारे मेलीबग को रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका एक भी मेलीबग छूटना नहीं चाहिए, अगर एक भी रह गया तो वो फिर से अपने बच्चे डेवलप करेगा और बहुत सारे मेलीबग फिर से हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट मेथड आप देख लें कितना कारगर है, सारे के सारे मेलीबग इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर हमारा हिबिस्कस एक बार के लिए तो क्लियर हो ही चुका है, बट यहाँ पर हमें 100% श्योर होना है, उसके लिए हम सेकेंड मेथड यूज़ करेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमने इसे ब्लैक कलर के टब में ही क्यों खाली करा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे पानी के ऊपर वाइट स्मॉल स्मॉल डॉट्स है और बड़े बड़े हमारे मेलीबग भी है। आपको यहाँ पर वाइट जो भी छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एग्स है और हिबिस्कस के ऊपर ये चिपके हुए थे। अगर हम बड़े बड़े रिमूव कर देते तो छोटे वाले डेफिनेटली रह जाते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं क्लोजअप कि ये किस तरह से नज़र आ रहे हैं। इन वाइट मेलीबग को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हमने इसे ऐसे ही गार्डन में फेंक दिया तो ये फिर से चींटियाँ इन्हें उठाकर ले जाएगी और फिर से कुछ दिनों बाद प्लांट के ऊपर लेकर आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से इन्हें डिस्ट्रॉय करना है, फुल्ली डिस्ट्रॉय करना है। आपको इन्हें रनिंग वाटर के नीचे छोड़ना है, मतलब किसी भी बेसिन के ऊपर डाल दीजिए और ये ईजिली ड्रेन हो जाएंगे सिंक के अंदर, और यहाँ पर आप जैसे ही अपने हैंड वॉश करेंगे सोप के साथ ये ईजिली मर भी जाएंगे। चलिए सेकेंड मेथड पर आ जाते हैं। सेकेंड मेथड है हमारा सोप, लिक्विड सोप या फिर डिटर्जेंट, आप कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर डेटोल का हैंड वॉश यूज़ कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा मेलीबग किलर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक लीटर की बॉटल लेनी है और उसमें करीब करीब 2 से 3 बूंदें डालनी है डेटोल की, जिससे हमारा सोप वाटर रेडी हो जाएगा। आपके घर पे जो अवेलेबल है लिक्विड सोप डिटर्जेंट, अगर आपके पास ये चीज़ भी अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल सोप के छोटे छोटे टुकड़े करके बॉटल में डाल के आप शेक करिए, तो इस तरह से फॉर्म बन जाएगा, जाग बन जाएंगे और फिर वो उस वाटर का स्प्रे आपको पूरे प्लांट के ऊपर करना है। अब दोस्तों रिमेंबर कि आपको प्लांट के ऊपर करना है, मतलब पत्तियों के नीचे भी करना है, पत्तियों के नीचे भी बहुत सारे मेलीबग ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, आपको ब्रांचेस मोड़ मोड़ कर नीचे की तरफ भी अच्छे से स्प्रे करना है जिससे सारे मेलीबग किल हो जाए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं थर्ड मेथड में हम क्या करने वाले हैं। थर्ड मेथड भी बहुत आसान है और हम ऐसी चीज़ यूज़ करने वाले हैं जो इजीली अवेलेबल होती है, आपको किसी भी नर्सरी पर मिल जाएगी। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं नीम ऑयल स्प्रे। यहाँ पर नीम ऑयल की एक छोटी सी बॉटल आती है और दोस्तों इसकी कॉस्ट भी 50 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाएगी आपको। आपको 1 लीटर वाटर के अंदर करीब करीब 10 से 15 बूंदें डालनी है। अगर हम नीम ऑयल का यूज़ करते हैं तो इसका प्लांट के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और ना ही हमारे लिक्विड सोप का कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और वो लंबे समय तक प्लांट के ऊपर नहीं रहना चाहिए। स्प्रे की नोब हमेशा आप ऐसे रखें कि वाटर स्प्रिंकल होता हुआ प्लांट के ऊपर जाए, इससे प्लांट अच्छे तरीके से भीग जाता है। अब हमारे सेम सेकेंड मेथड की जैसे ही आपको हर लीफ के ऊपर आपका नीम ऑयल स्प्रे देना है। और दोस्तों ये सारा का सारा प्रोसेस आप एवरी डे कर सकते हैं, आप हर दूसरे दिन कर सकते हैं, हर तीसरे दिन कर सकते हैं, आपकी जब इच्छा हो तब कर सकते हैं। बस आप हमेशा ध्यान रखिएगा अगर मेलीबग अटैक आपको नज़र आता है तो आपको तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना है, जिससे आपका पूरा पूरा प्लांट सेफ हो रहेगा और हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट डे पर हमें हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहा है और बहुत खुश भी नज़र आ रहा है दोस्तों, तो इस चीज़ के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और होप कि आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखकर और कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। थैंक यू।
फ्यू डेज लेटर हमारे हिबिस्कस ने हमें एक सरप्राइज गिफ्ट दिया, रेड कलर का ब्यूटीफुल सा फ्लावर। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, और अगर यहाँ पर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो हमने एक रॉ गार्डनिंग नाम से एक और चैनल स्टार्ट करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग मुझे उस चैनल पर भी सपोर्ट कर सकते हैं एक सब्सक्राइब के थ्रू। चलिए दोस्तों अब एक और मेथड है जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा है, वो हमारे रॉ गार्डनिंग वाले चैनल पर ही है। तो क्या आओगे मुझसे मिलने रॉ गार्डनिंग पर? चलिए मैं वहाँ पर आपका इंतज़ार करता हूँ। थैंक यू।